आज से 50-55 साल पहले जब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी गई थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि 2017 में जब 104 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में भेजने का विश्व खिताब बनाया जाएगा, तब कोई उसका श्रेय लेकर पूछेगा कि पिछले 70 सालों में क्या हुआ। क्योंकि तब केवल श्रेय लेने के लिए कार्यक्रम नहीं बनाए जाते थे, लेकिन अब भारत बदल रहा है। 1971 में जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया, पूरे विश्व का भूगोल बदल गया, तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि 2016 में कोई मात्र 800 मीटर दूसरे मुल्क में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर घूम घूम कर उसका श्रेय लेने लगेगा। शुरुआत के उन गुर्बत और गरीबी के दिनों में जब बुनियादी जरूरतों के लिए भी पैसा नाकाफी था, तब पैसा बचा बचा कर IIT, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सेल के तमाम संयंत्र, TFIR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आदि संस्थानों के अलावा न्यूक्लियर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, CSIR के प्रयोगशालाएं बनाई गई थी। तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि 2017 में कोई इन संस्थानों की बदौलत आई क्रांति का श्रेय ले पूछेगा कि पिछले 70 सालों में क्या हुआ। क्योंकि तब भी इन संस्थानों की स्थापना श्रेय लेने के लिए नहीं की गई थी, पर अब भारत बदल रहा है। आज पूरे विश्व में मोबाइल संचार के क्षेत्र में भारत में कीमतें सबसे सस्ती है। प्रति मिनट दर संपूर्ण विश्व की तुलना में सबसे कम है, और वो पूछते हैं कि पिछले 70 सालों में क्या हुआ। जिन मोबाइल पर वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, वो मोबाइल लोगों के हाथों में आए कैसे? वो कंप्यूटर जिसकी छाती पर बैठकर वो युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं, वो किसकी देन है? विदेशों में आज भारत का गौरव बढ़ाने वाले IIT के वैज्ञानिक, इंजीनियर तथा अन्य उद्यमियों की कड़ी मेहनत और बुनियादी प्रशिक्षण का ही नतीजा है जो आज आपको विदेशों में कोई पूछता है। उन सब लोगों को अव्वल दर्जे का प्रशिक्षण कहाँ मिला, और आप पूछते हैं कि पिछले 70 सालों में क्या हुआ। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति में हम सब ने, हर आम हिंदुस्तानी ने और हमारे बुजुर्गों ने खून पसीना बहा, जी तोड़ मेहनत कर आज इस हिंदुस्तान को खड़ा किया है, और आप पूछते हैं कि पिछले 70 सालों में क्या हुआ। यह प्रश्न हर उस मेहनतकश हिंदुस्तानी का अपमान है जिसने तिल तिल जोड़कर इस राष्ट्र को बनाया है। ये हम हिंदुस्तानियों का सामूहिक सामर्थ्य था, और उस प्रजातंत्र की शक्ति थी जो पिछले 70 सालों में विकसित हुई, जिसने एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया, और आप पूछते हैं कि पिछले 70 सालों में क्या हुआ। आज हमारी गिनती विश्व के उन चुनिंदा देशों में होती है जिनके पास परमाणु शक्ति का प्रयोग करने का सामर्थ्य है, जिसकी बदौलत आप आज न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, और आप पूछते हैं कि पिछले 70 सालों में क्या हुआ। हमारी सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया, और शौर्य से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और भारत माता की हिफाजत के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी, और आप पूछते हैं कि पिछले 70 सालों में क्या हुआ। आज ये प्रश्न पूछकर हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की कुव्वत पर आपने प्रश्न चिन्ह लगाया है, हमारे बलिदान और योगदान का मजाक उड़ाया है, भारत माता के सपूतों की कैरत को ललकारा है। आज आप लोगों को जवाब देना हर भारत माँ के लाल की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि उसका परम कर्तव्य भी है। ये मैं किसी पार्टी या पक्ष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और ना ही मैं किसी व्यक्ति की बुराई कर रहा हूँ। पार्टियाँ और व्यक्ति सत्ता में आते जाते रहे हैं और आते जाते रहेंगे, मेरे भारत के सामने उनकी बस इतनी ही हैसियत है। भारत में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन होता है, ये किसी व्यक्ति या पार्टी की नहीं, मेरे भारत के प्रजातंत्र की खासियत है। आज मैं ये जवाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भारत माता का सपूत होने के नाते आज उनको आईना दिखाना जरूरी है जो अपने इतिहास से अनभिज्ञ, अहंकार में चूर हो, भारत माता तक को कटघरे में खड़ा कर पूछ रहे हैं कि पिछले 70 साल में क्या हुआ। अंत में 100 बात की एक बात, पिछले 70 सालों में जो हुआ, माना कि उससे बेहतर हो सकता था, क्योंकि बेहतर होने की गुंजाइश हमेशा रहती है,
पर अगर वो नहीं हुआ होता तो आज यहाँ ना ये आजाद मुल्क होता और ना ही उसका कोई प्रधानमंत्री होता, तो सिर्फ और सिर्फ किसी गोरे अंग्रेज के घर का गुलाम। जय हिंद।